खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आजाद जी की याद में बहुत सारी याद करती थी, रोने लगती थी और सब बताती थी, गांठे लगाती थी। नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। जी हाँ, अंग्रेजों की अदालत में यह जवाब था 14 साल के उस निडर और साहसी बालक चंद्रशेखर आजाद का, जिसने कसम खा ली थी कि गौरे उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल के साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के 8,000 रुपए लूट लिए। खजाने की लूट के बाद अंग्रेज सरगर्मी से आजाद को ढूंढने लगे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद जब अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी वक्त अंग्रेज वहां आ पहुंचे और उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी के बाद चंद्रशेखर आजाद को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली। आजाद ने खुद को गोली मारकर ना सिर्फ अपनी कसम को पूरा किया, बल्कि पूरे देश को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर दिया। आजाद ने इस दौरान आजादी की लड़ाई में अद्भुत वीरता का परिचय दिया और 27 फरवरी 1931 को इस वीर योद्धा ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया।